आज मैं ये बताने जा रहा हूं कर्म फल कितने प्रकार का होता है। कर्म फल हर कोई कर्म करता तो कितने प्रकार का होता है, उनकी क्या खासियत विशेषता है। सर्वप्रथम तो मैं ये बता दूं, जिसको कर्म फल को जो है ना उसको बोलते हैं शुद्ध साहित्य भाषा में कर्म जन्य सिद्धि, इस नाम से होता है। कर्म जन्य सिद्धि जो कर्म पर फलों का जो मिलता है निचोड़, उसको हम कहते हैं कर्म जन्य सिद्धि। अतः मैं ये बताना चाहूंगा कि कर्म फल दो प्रकार का होता है। ये दो प्रकार कौन कौन से कर्म फल? कर्म का फल पहला है तात्कालिक, दूसरा है कालांतरिक। तात्कालिक का मतलब उस क्षण भर में उसी समय उसके कर्मों का फल मिल जाता है। एक विद्यार्थी ने अच्छी मेहनत किया, किसी परिश्रम में किसी पोस्ट के लिए नौकरी किसी के लिए, उसको तुरंत उसका लाभ मिल गया, वो तात्कालिक हो गया। ऐसे कई तरह के तत्काल में जो तुरंत मिल जाए उसको तात्कालिक फल बोलते हैं। कई जगह ऐसे अवसर आते हैं जो तात्कालिक मिल जाते हैं, और कालांतरिक होता है जो कुछ समय बाद, वो होता है कालांतरिक। और कुछ समय बाद का मतलब पता नहीं, एक महीने बाद, एक दिन बाद, एक साल बाद, अगले जन्म जन्मांतर तक भी होता है, ये कालांतरिक होता है। जैसे किसी को कहीं अचानक कई बुद्ध तो कोई भी हर कोई जानता है कि तो कुछ नहीं किया और अचानक उसको गड़ा हुआ धन कहीं इकट्ठा मिल गया, वो भी उसका कोई कर्म था, उस कर्म का कालांतरिक फल मिले, ये वो होता है। उदाहरण के लिए जैसे बताया मैं, नैवाकृति ही फलति नैव कुलम न शीलम विद्यापि नैव चयत्न कृतापि सेना भाग्यानि पूर्वतसुक्षा खलु संचितानि काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षा। जैसे समय आने पर वृक्ष फल देते हैं, समय आने पर जैसे आप देख रहे हैं आम 5 साल में उसका है परिणाम, तो 5 साल में फल दे, उसी प्रकार जो पूर्व जन्म के कर्म के जो संचित कर्म होते हैं वो समय आने पर फल देते हैं। न तो कोई आकार फल देता, न सूरत फल होती, न विद्या, न सेवा, सब कुछ नहीं, केवल कर्म ही। इस संसार में जो है वो कर्म है, और हर जगह यही कहा गया कि कर्म, गीता में तो आप स्वयं जानते हैं कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये गीता का ज्ञान, जैसा करोगे वैसा भरोगे, अंग्रेजी बोलते हैं टिट फॉर टैट। ये कर्म ही प्रधानता है हर जगह में, ये कहने का, और उन्हीं का फल कभी तत्काल मिलेगा और कभी कालांतरिक मिलेगा, लेकिन फिर मिलेगा फल। और ये जरूरी नहीं कि अच्छा ही कर्म का मतलब, जैसे हमने तो आप अच्छी तरफ बताया कि अच्छे फलों का भी, अच्छे कर्मों का फल, दूसरी तरफ अगर कोई गलत कर्म तुरंत करता है तो कभी कभी उसको गलत कर्म का तुरंत फल परिणाम मिल जाता है। कोई जो है ना गलत कर्म करता है उसका बहुत बड़े देरी से फल परिणाम मिलता है कालांतरिक। अतः दोनों बुरे कर्म फल और अच्छे कर्म फल अलग अलग फल मिलते हैं, लेकिन इसलिए हमें चाहिए कि हम कर्म को सुधारें। हर आदमी को अगर अपना भविष्य सुधारना है तो अपने कर्म को सुधारे, तो समझो कि अपने जीवन को उसने बड़े अच्छे समझा। बस ये।